नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है हमारे स्पेशल शो मुख्यमंत्री का। आपकी बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और अच्छे तरह से खिलेगा। सूबे में पार्टी को सिर्फ जीत नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी और यही वजह है कि गुजरात में सियासी दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर आजमाइश में है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी आज एक बार फिर से कारपेट बॉम्बिंग करती नजर आई। दूसरे फेज की 93 सीटों पर वोटिंग भी होगी और सभी 93 सीटों पर बीजेपी नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया है। प्रचार अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने एक ही दिन में 42 विधानसभा सीटों पर हुंकार करी और पार्टी को मजबूती दी, जिसमें सबसे पहला नाम है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा ने आज दिन भर में की 4 रैली, जहां पर शहरा, चारस्मा, सिद्धपुर और निकोल में पहुंचे जेपी नड्डा। इसके बाद अमित शाह ने भी आज मैदान में कमान संभाली। 4 रैलियां करते अमित शाह नजर आए, जिसमें उन्होंने खंबात, थराड, डीसा और साबरमती में रैली की। इसके साथ ही स्टार कैंपेनर के तौर पर जयराम ठाकुर भी मैदान में। जयराम ठाकुर आज गुजरात में 3 रैलियां करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कवर किया नाडियाद को, विजलपुर को और नारायणपुरा को। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा, 3 रैली आज उन्होंने की मोडासा, नरोदा और दरियापुर में। देवेंद्र फडणवीस, 3 रैली बायड, प्रातेज और मणिनगर। मनोज तिवारी भी 3 रैली ढबोई, बापूनगर और जमालपुर। और इसी तरीके से बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर्स ने मोर्चा संभालते हुए आज ताबड़तोड़ रैली की है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी सूरत के मजुरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। हर्ष सांघवी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। हर्ष सांघवी से बात की है हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। सूरत शहर के सबसे बेहतर उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं। गृह मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, गुजरात के हर्ष सांघवी हमारे साथ हैं। पब्लिक के बीच चल रहे हैं, लोगों के बीच चल रहे हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत व्यस्त कार्यक्रम है हर्ष भाई, जिस तरह का लोगों का एक मान सम्मान आपको मिल रहा है, आपने लगता है बेहतर काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए। ये गलियों से मेरा बहुत पुराना एक नाता है, यही गलियों में इन लोग की गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ। आज यही लोग मुझे खंभे में बिठा के पूरा हीरे बाजार में मुझे घुमाया है। आप देख सकते हो कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार का रिश्ता है। ये रिश्ता अविरत रिश्ता है, ये रिश्ता कोई वोटर और उनके नेता के बीच का नहीं है, ये रिश्ता दिल का रिश्ता है। 27 साल से चल रहा ये विश्वास और ये रिश्ता 2022 से 27 फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात भर में अपनी सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। गृहमंत्री हैं राज्य के, आप मुख्य रूप से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसा आपने अपनी भाषण में भी जिक्र किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी है। आम आदमी पार्टी लगातार लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का सवाल उठाती है पूरे गुजरात में। आपको लगता है कि इस बार उनको स्पेस मिलेगा गुजरात की धरती पर? पंजाब में किस प्रकार की परिस्थिति है, पंजाब की गलियों में खून खराबा हो रहा है। हमारे वहाँ हीरे बाजार में ये कहा जाता है कि जो पड़ी की बिकती नहीं है ना, उस पर लोग पैसे नहीं लगाते। पंजाब में इस प्रकार की परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री वहाँ का कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। लोग कार्यक्रम में जाते ही उनसे सवाल पूछते हैं, उसी लिए वो पंजाब से भाग भाग के कई और राज्य के अंदर प्रवास। दिल्ली मॉडल का भी जिक्र किया जा रहा है। वो क्या मॉडल, कौन सा मॉडल? ये जेल में कल मसाज चल रहा था वो मॉडल,
या सुकेश जो पत्र लिख रहा है उनके भागीदार जो उनसे नाराज है। तो आपको लगता है कि इस बार मुख्य मुकाबला किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये चुनाव 2022 से 2027 फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के साथ मिलकर गुजरात की सेवा करेगी। यानी डबल इंजन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है उसको फिर भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग अपना आशीर्वाद बरसात देंगे। ये जोड़ी अविरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में। हर सांघवी ने समय निकाला और हमसे बात की। हर सांघवी बहुत ही अश्योर है कि गुजरात में एक बार फिर जो है उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलेगी और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मुकाबले में वो कांग्रेस को जरूर मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उन्हें अभी नहीं लग रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ अमित मिश्रा, सूरत, भारत 24। तो ये तो तय है कि गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में 8 रैलियां कर चुके हैं। एक बार फिर से 23 और 24 नवंबर को गुजरात का दौरा वो कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 8 रैलियां कर सकते हैं। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री अपने अगले दौरे में कहां कहां जा सकते हैं, यानी कि जो जानकारी उनके संभावित दौरे को निकल कर आई है। 23 और 24 नवंबर को गुजरात प्रधानमंत्री जा सकते हैं, जिसमें 23 नवंबर को वो महसाड़ा दाहोद में रैली कर सकते हैं। 23 नवंबर को ही वो वडोदरा और भावनगर में भी जनसभा कर सकते हैं, इस बात की जानकारी सामने आई है। 24 नवंबर को पालनपुर और दहेगाम में उनकी रैली हो सकती है। तो 24 नवंबर को ही वो माटर और बावला में रैली कर सकते हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जानकारी। ये उनका संभावित दौरा माना जा रहा है चुनावी प्रचार के मद्देनजर। तो भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। तो आज हम आपको दाहोद जिले का विश्लेषण दिखाएंगे, आपको ये भी बता देंगे कि किस सीट पर किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे चुनाव एक्सपर्ट का क्या कहना है। दाहोद जिले की हम बात करते हैं, जिसके अंडर में आने वाली सीटों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि 4 सीटों पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बीजेपी 2 सीटों पर ही अपना दमखम दिखा सकती है, अन्य के खाते में यहां 0 है। आपको दाहोद जिले की सीट वार विश्लेषण के जानकारी भी दे देते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है इसकी तस्वीर आपके सामने। फतेहपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा, झालोद में भी कांग्रेस मजबूत नजर आ सकती है, लेकिन लीमखेड़ा में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना है। तो दाहोद में भी कांग्रेस, गरवाड़ा में बीजेपी, देवगढ़ बारिया में कांग्रेस। आइए अब जरा डिटेल में आपको सीट वार विश्लेषण भी बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे फतेहपुरा सीट की। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के नेता रमेश कटारा यहां से निर्वाचित हुए हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में रमेश कटारा ही हैं। लेकिन रमेश कटारा के खिलाफ कांग्रेस के रघु दीता भाई को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है झालोद सीट। झालोद कांग्रेस की परंपरागत सीट है और पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। भावेश भाई कटारा इस सीट से 2012 और 2017 में निर्वाचित हुए और इस बार बीजेपी के महेश भूरिया का मुकाबला कांग्रेस के मितेश गरासिया से होने वाला है। इस बार कैंडिडेट कांग्रेस ने अपना बदला है। लीमखेड़ा सीट की अब हम बात करेंगे। लीमखेड़ा में साल 2012 और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लीमखेड़ा सीट बीजेपी नेता शैलेश भाई भाबोर और इस सीट से वो विधायक के तौर पर जीत कर आए। एक बार फिर से बीजेपी ने शैलेश भाई पर ही भरोसा जताया है और टिकट देते हुए मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से रमेश कुमार गुंडिया को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है दाहोद सीट। क्योंकि पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। साल 2017 में इस सीट से वजय सिंह परसिंह भाई पनाडा निर्वाचित हुए और इस बार कांग्रेस ने हर्षद भाई नीनामा को टिकट दे दिया है, यानी कि कैंडिडेट बदला है। वहीं बीजेपी से इस बार कन्हैया लाल किशोरी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस सीट की खास बात यह है कि यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है आदिवासी वोटर, जो इस बार भी निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इस सीट पर मुकाबले में है। अगली सीट है गरवाड़ा सीट। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। पिछले 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के नेता चंद्रिकाबेन बारिया इस सीट से निर्वाचित हुए हैं और इस बार चंद्रिकाबेन का मुकाबला जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र भाई भाभोर से है। इस सीट पर आदिवासी समुदाय का दबदबा है और वही है यहाँ के डिसाइडिंग फैक्टर। अगली सीट है देवगढ़ बारिया।
अब इस सीट पर क्योंकि आदिवासी मतदाताओं का वर्चस्व है, साल 2017 में बीजेपी पर इन मतदाताओं ने भरोसा जताते हुए जीत दिलाई थी। बीजेपी के नेता बच्चू भाई मगन भाई खाबड़ यहां से निर्वाचित हुए हैं और इस बार बच्चू भाई का मुकाबला है एनसीपी प्रत्याशी लवार गोप सिंह से। हालांकि कांग्रेस ने यह सीट अपने गठबंधन यानी कि एनसीपी के लिए छोड़ दी है। तो चुनाव प्रचार में एक से एक शख्सियत मैदान में है और इन्हीं में से एक है रमेश कामरा, जिन्हें जूनियर मोदी ऑफ सूरत कहा जाता है, जो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी की जीत के लिए रमेश कामरा का क्या कहना है, सुनिए। हम सूरत में हैं और सूरत में भारतीय जनता पार्टी का माहौल क्या है उस पर जानेंगे। हूबहू हम शक्ल बनने की कोशिश है रमेश जी की, जो जूनियर मोदी की तरह रहते हैं, पोशाक है और सूरत में लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। किस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए, ये हम जानेंगे। और इनका मानना है कि अगर एक दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये क्या कुछ कर गुजरेंगे, पूछते हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 150 से ऊपर सीट लेके आने वाली है निश्चित। भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार जो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जितने भी रिकॉर्ड है ना, सब तोड़ने वाली है। आपने अपनी वेशभूषा बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के स्टाइल में बना रखी है। ये तो क्या गॉड गिफ्ट है, जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी कुछ शक्ल मोदी जी से मिलती है तो मैंने उसको फिर अपने आप मेंटेन किया। आप घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं अपनी? मैं लोगों के बीच में रहता ही लोगों के बीच में ही हूँ। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि मोदी जी सामने साथ में खड़े हैं तो उनको सेल्फी मिलती है, फोटो मिलती है। जब मेरे को छोटा बच्चा मिलता है वो मेरे को नरेंद्र मोदी समझ के ही बात करता है कि उन्होंने क्या टीवी के अंदर मोदी जी को देखा है, प्रोटोकॉल क्या है उनको नहीं मालूम है, इसलिए वो मेरे से नरेंद्र मोदी की तरह ही बात करते हैं। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। तो गुजरात में चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है, नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश में भी हैं। सूरत में चुनाव को लेकर किस तरीके की हलचल है, इलेक्शन को लेकर कपड़ा बाजार में लोगों की राय क्या है, उनकी मन की बात क्या है, सुनिए। किसके लिए वोट करेंगे? भाजपा। क्यों? देश का भला हो रहा है भाई साहब, देश का भला हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही भला कर सकती है या दूसरी पार्टियां भी, क्योंकि 27 सालों से जिस एक पार्टी की सरकार है वो सरकार सही चल रही है, कई गिले शिकवे होते हैं लोगों के? सर देखिए, हम 15 साल से मेरे को यहाँ रहते हो गया, मेरा नाम कपिल सोनी है। 15 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब से मैं सरकार यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ सही तरीके से रेगुलर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है राजस्थान की तरह एक बार वो और एक बार ये, ऐसा काम कुछ नहीं है। हाँ, 2014 के बाद यहाँ से मोदी जी गए हैं, 8 साल में जो अनसुलझे मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 वाला हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो, जो मुद्दे हो मोदी जी ने प्रॉपर तरीके से समाधान किया। यानी राज्य सरकार के नाम पे नहीं, आप केंद्र सरकार मोदी जी के काम, हम मोदी जी के चेहरे को देख के काम करते हैं और कमल के फूल को हम देखते हैं। सर हमें डबल इंजन की सरकार है वो चाहिए। देखिए सर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे हम किसी विपक्ष को ये गुजरात सौंपने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे को डबल इंजन में बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और बात करेंगे चुनावी माहौल की, तो सूरत जो है एक बीजेपी में हो गया है और विकास की जो गति है सूरत सबसे तेज भाग रहा है।